उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के कस्बा बबीना में पिछले 10 वर्ष से सुशील जैन शांति के निवास स्थान पर काव्य गोष्ठी अनवरत जारी है। सुशील जैन लगातार हिंदी साहित्य की सेवा में लगे हुए हैं और माह के अंत में अपने निवास स्थान पर काव्य गोष्ठी का आयोजन करते चले आ रहे हैं, जिसमें प्रत्येक माह बबीना समेत आसपास के क्षेत्र से नवोदित कवि और वरिष्ठ कवि शामिल होकर अपनी रचनाओं का पाठ करते हैं। बबीना कस्बे में काव्य गोष्ठी ने अब तक 11वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है। इसी सिलसिले में 31 जुलाई को भी एक मासिक काव्य गोष्ठी का आयोजन कवि सुशील जैन शांति के निवास स्थान पर किया गया, जिसकी अध्यक्षता भेल से पधारे वरिष्ठ कवि सत्य प्रकाश ताम्रकार सत्य ने की। तो वहीं काव्य गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में नंदनपुरा झांसी से पधारे कवि तेज भान सिंह बुंदेला मौजूद रहे। सर्वप्रथम सभी कवियों ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्पार्चन कर विधिवत काव्य गोष्ठी का शुभारंभ किया। काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करते हुए बबीना कस्बे के कवि गोपाल नारायण द्विवेदी कुमुद ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। इसके बाद काव्य गोष्ठी में मौजूद कवियों ने एक से बढ़कर एक रचनाएं प्रस्तुत कर उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। काव्य गोष्ठी में बबीना शास्त्री नगर से पधारे नवोदित कवि मुकेश नायक, बबीना कस्बे के वरिष्ठ कवि मोहम्मद हनीफ अंकुर, काशी प्रसाद अकेला, आयोजक सुशील जैन शांति, आरा मसीन भेल से पधारे कवि देव कुमार देव, झांसी से पधारे कवि प्रमोद कुमार खरे, बबीना के वरिष्ठ कवि गोपाल नारायण द्विवेदी कुमुद मुख्य अतिथि के रूप में झांसी, नंदनपुरा से पधारे कवि तेजभान बुंदेला और अध्यक्षता कर रहे भेल से पधारे कवि सत्य प्रकाश ताम्रकार सत्य ने काव्य पाठ किया। काव्य गोष्ठी में श्रोताओं के रूप में गणेश व्यायामशाला बबीना के खलीफा एवं समाजसेवी चंद्र प्रकाश राय पहलवान, प्रमोद श्रीवास, बच्चू साहू, अनूप पाठक, प्रकाश चंद्र जैन, बाबूलाल, महेंद्र कुमार जैन चकरपुर, महेंद्र सिंह महावीर चिल्ड्रन स्कूल, बाबूलाल कुशवाहा, कल्लू जैन आदि समेत कई लोग मौजूद रहे। काव्य गोष्ठी के समापन के बाद आयोजक सुशील कुमार जैन द्वारा शॉल एवं श्रीफल भेंट कर अतिथि के रूप में पधारे तेज भान सिंह बुंदेला को सम्मानित किया गया। संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन सुशील जैन शांति ने किया। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से मोहम्मद हनीफ के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट।